If we have got a rectangular lamina, यदि एक rectangular lamina है, mass m है, length l, breadth b, if this rectangular lamina is rotated about this axis, passing through this vortices, इस vortices से पास होते हुए और board के perpendicular, यदि इस axis के about इस rectangular lamina को rotate करा जाए, तब इसका moment of inertia क्या होगा? What would be moment of inertia of the body if it is rotated about this axis? We may have multiple methods to solve the problem. या तो आप इस एक्सेस के अबाउट डिटरमाइन करके फिर पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगा दो, या फिर इस एक्सेस और इस एक्सेस के अबाउट डिटरमाइन करके फिर परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगा दो. एम नहीं, गड़बड़ जवाब दिया, गलत. एम L square plus B square by 3. That is correct answer. The moment of inertia would be M into L square plus B square by 3. That is correct answer. देखिए, बिल्कुल साधारण सा सवाल है, ज्यादा difficult वाला नहीं है. Once again, दो तरीके से करा जा सकता है problem को. It's a combination of parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. Rod के लिए M mass की rod हो और L length की rod हो, इस rod के लिए इस axis के about moment of inertia, यदि L length है तो यह हमने लिख रखा है, this ICM M L square by 12. इनफैक्ट हमने यह भी डिराइव कर रखा है, और चाहे तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम से भी हम लिख सकते हैं, कि इस एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा, दैट इज आईसीएम एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम डी स्क्वायर. एम और डी है L by 2 square. यहां parallel axis theorem से already हमने derive करके notes में लिख भी रखा है, that this is equal to M L square by 3. और फिर हमने यह भी बता रखा है कि यदि इस rod को axis के parallel ऐसे फैला दिया जाए, चाहे जितना फैला दो, लेंथ एल ही रहनी चाहिए, ब्रेथ चाहे जितनी हो जाए, इसी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 3 ही रहेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 3 ही रहेगा. यह बात हमने समझ रखी है. तो अब मैं कहता हूं इसी कंसेप्ट से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट, जिसको मैं आई वाई वाई कहता हूं, यह हुआ एम एल स्क्वायर बाय 3. और इस एक्सेस के अबाउट, जिसे मैं कहूंगा आई एक्स एक्स, जरा देखिए, यदि इस एक्सेस के रेस्पेक्ट में देखें तो
वो रॉड बी लेंथ की है और वह एक्सिस के पैरेलल ऐसे फैलाई हुई है, बी लेंथ की रॉड है। इस रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा एम बी स्क्वायर बाय थ्री। आई एक्स एक्स आई वाई वाई, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों प्लेन ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन पर है। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगा दें इन ऑर्डर टू गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डिजायर्ड एक्सेस। डिजायर्ड एक्सेस को हम आई जेड जेड कहेंगे, इट वुड बी आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। दिस आई जेड जेड वुड बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय थ्री प्लस एम बी स्क्वायर बाय थ्री प्लस एम एल स्क्वायर बाय थ्री। हेंस द रिजल्ट, अब इधर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, फॉर एनी मास सिस्टम, किसी भी मास सिस्टम के लिए यह सेंटर ऑफ मास है एंड दिस इज एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड दिस आर वेरियस पैरेलल एक्सेस, दिस आर वेरियस पैरेलल एक्सेस। वी यूज टू से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज मिनिमम। इस एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमेशा मिनिमम होता है। आईसीएम इज ऑलवेज मिनिमम। एस कंपेयर्ड टू एनी ऑफ इट्स पैरेलल एक्सेस, व्हेन वी कंपेयर इट विथ एनी ऑफ इट्स पैरेलल एक्सेस, उसकी पैरेलल किसी भी एक्सेस से कंपेयर करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सेस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज मिनिमम। अब एक इलस्ट्रेशन और दूंगा। दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मास m, रेडियस r। इस सॉलिड स्फीयर को इसकी डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट यदि रोटेट करा जाए तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2 बाय 5 एम आर स्क्वायर, हम जानते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर मास स्मॉल एम और रेडियस आर। इसी स्फीयर को मैं आधा कर देता हूं और एक हेमिस्फीयर बना देता हूं। इसी स्फीयर को मैंने आधा कर दिया और एक हेमिस्फीयर बना दिया और इस हेमिस्फीयर को उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं जिस एक्सिस के अबाउट स्फीयर को रोटेट कर रहा था। क्या आप मुझे इस हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे?
The solid hemisphere mass m and radius r. इस सॉलिड हेमिस्फीयर को उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा जा रहा है जिस एक्सिस के अबाउट हम स्फीयर को रोटेट कर रहे थे. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, क्या आप मुझे बताइए? हाँ जी, इट वुड बी, नहीं आप गलत है. एनी अनदर आंसर? एनी अनदर आंसर हियर? बड़े ध्यान से देखें. इन दिस सिचुएशन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश वुड बी वंस अगेन 2/5 एम आर स्क्वायर. इधर भी 2/5 एम आर स्क्वायर था और खास बात इस स्फीयर को आधा कर दिया, स्फीयर का मास m कह दिया, तब भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट 2/5 एम आर स्क्वायर. वहां 2/5 ही देखेगा. बड़े ध्यान से देखें, इधर जब मैं 2/5 एम आर स्क्वायर लिखा हूं तो मैंने कैपिटल एम लिखा है, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ दिस कंप्लीट स्फीयर. और इधर जब मैंने 2/5 एम आर स्क्वायर लिखा है तो स्मॉल एम लिखा है, वेयर स्मॉल एम इज मास ऑफ दिस हेमिस्फीयर. बड़े ध्यान से समझना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज स्केलरली एडेड. मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलरली एड होता है. यदि इस पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, लेट अस से इस हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश और दूसरे हेमिस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई डैश ही रहेगा, वही आई डैश जो मुझे इधर डिटरमाइन करना है, मगर इस हेमिस्फीयर का मास होगा m बाय 2 और इस हेमिस्फीयर का मास भी होगा m बाय 2. यदि इस स्फीयर को मैं आधा कर दूं तो इस आधे स्फीयर का मास m बाय 2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश, रिमेनिंग आधे स्फीयर का मास m बाय 2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश. अब हम कहेंगे आई डैश प्लस आई डैश मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर. सो 2/5 2i' is equal to i' plus i' 2i' is equal to i. I की जगह में लिख दू 2/5 mr square. 2/5 mr square. इस तरह से i' हो जाएगा 1/5 mr square. यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधे स्फीयर का हुआ, यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधे स्फीयर का बनता है एम आर स्क्वायर, बट हियर एम इज मास ऑफ कंप्लीट स्फीयर. एम इज मास ऑफ कंप्लीट स्फीयर. अब मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दूं, आई डैश इज मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और डिवाइड भी कर देता हूं. 2/5 into m by 2 r square. अब m by 2 की जगह लिख देता हूं, हियर दिस मास इज स्मॉल m एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल m by 2. कैपिटल m by 2 की जगह पर अब मैं लिख देता हूं स्मॉल m. हियर स्मॉल m इज मास ऑफ हेमिस्फीयर. Once again, 2/5 mr square. Observe this. इस तरह के कुछ ट्रिकी सिचुएशंस एग्जामिनेशन में हमेशा पुट कर दी जाती है और
कंफ्यूज करने की जरूर कोशिश की जाती है. एक ऑप्शन निश्चित वहां पर 1/5 mR² भी आपको देखेगा, एंड पीपल यूज टू मार्क दिस 1/5 mR². अब इसी तरह का एक और इलस्ट्रेशन दूंगा. इफ वी हैव सर्कुलर डिस्क मास m, रेडियस r, इस सर्कुलर डिस्क को इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करा जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mR² / 2. मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mR² / 2. नाउ इफ वी हैव गॉट अ सेक्टर विथ एंगल थीटा मास m एंड रेडियस r, यह कहना चाहिए कि इसी सर्कुलर डिस्क को यदि इस तरह से इसमें से किसी थीटा एंगल का सेक्टर ऐसे काट लिया जाए, रेडियस वही r है, मास स्मॉल m, एंगल थीटा, और इसी एक्सिस के अबाउट घुमाया जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश क्या होगा? हाँ जी प्लीज बताइए. व्हाट वुड बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्टर विथ एन एंगल थीटा मास m एंड रेडियस r? द सेम, इसी सर्कुलर डिस्क में से एक सेक्टर काट लिया गया और सेंटर के अबाउट ही घुमा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए? हाँ द सेम, बिल्कुल से, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल से, बिल्कुल परफेक्ट. इनफैक्ट पिछला आर्टिकल आपको अच्छी तरह समझ आ गया इसका मतलब. जो पिछला आर्टिकल समझाया उसी को एक तरीके से दोबारा रिपीट करवा रहा हूं. जो मैंने बात स्फीयर के लिए समझाई वही सर्कुलर डिस्क के लिए बता रहा हूं कि यदि आप आई डैश लिखोगे तो वही स्मॉल m R² / 2 ही लिखोगे. उसी एक्सेस के अबाउट, इट्स द रिपीटेशन ऑफ सेम आर्टिकल. इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें. फर्क यह है कि जब हम कैपिटल m लिख रहे हैं इट्स मास ऑफ कंप्लीट सर्कुलर डिस्क, जब स्मॉल m लिख रहे हैं इट्स मास ऑफ द सेक्टर. हम कहते हैं इस तरह के मल्टीपल सेक्टर्स आप बना सकते हो. मान लीजिए इसका जो स्मॉल मास m लिखेंगे दैट स्मॉल मास m वुड बी m बाय 2 पाई इंटू थीटा. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि मैं आई डैश लिखूंगा इस एक्सेस के अबाउट, देन दैट आई डैश वुड बी इक्वल टू आई बाय 2 पाई इंटू थीटा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is moment of inertia of complete circular disk. Complete circular disk 2 pi radian बनाती है, मतलब पूरे 2 pi radian का moment of inertia I है. तो per radian जो moment of inertia आएगा that is I by 2 pi.
तो थीटा रेडियन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज आई बाय टू पाई इनटू थीटा. तो इधर मैं लिख दूंगा आई डैश इज इक्वल टू आई की जगह एम आर स्क्वायर बाय टू अपॉन टू पाई इंटू थीटा, यह आई डैश लिख दूंगा. फिर इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दूंगा आई डैश इज इक्वल टू एम थीटा बाय टू पाई इंटू आर स्क्वायर बाय टू, और एम थीटा बाय टू पाई को मैं लिख दूंगा स्मॉल एम आर स्क्वायर. एम थीटा बाय टू पाई को मैं स्मॉल एम लिख दूंगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भाई एम आर स्क्वायर बाय टू ही दिखने लगेगा. आप देखिए किस तरह से रेगुलर बॉडीज के लिए हम धीरे धीरे करके इरेगुलर बॉडीज के लिए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करते जा रहे हैं. खास बात, अभी तक यह बात हम देख चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस एक्सेस. पैरेलल एक्सेस थ्योरम में, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम में हमने यह बात देख ली कि अलग अलग एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन रेफरेंस एक्सेस. यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और रेफरेंस एक्सेस भी बतानी पड़ती है. बिना रेफरेंस एक्सेस बताए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिप्रेजेंटेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता. इस तरह की क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप कैसी क्वांटिटी कहोगे? हम अच्छी तरह से जानते हैं अभी तक वी आर अवेयर अबाउट टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज हम उन्हें कहते हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने की आवश्यकता है, डायरेक्शन या रेफरेंस एक्सिस बताने की कोई आवश्यकता नहीं है. जबकि वेक्टर क्वांटिटी हम उन्हें कहते हैं जिन्हें कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड टू स्पेसिफाई देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन. नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच ऑल्सो ऑबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. मैं ये जो वेक्टर एडिशन वाला लाइन बोला हूं इसकी वजह है, फॉर एग्जाम्पल करंट, हम करंट की बात करें. व्हाइल स्पेसिफाइंग करंट, करंट स्पेसिफाई करते समय हम उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं और साथ में करंट की डायरेक्शन भी बताते हैं. हम कहते हैं 5 एम्पियर ऑफ करंट इन द वायर इन दिस डायरेक्शन, और फिर उसका डायरेक्शन देखकर हम आगे काफी सारे काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और वो सब चीज सोचते हैं. करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताते हो, तो क्या करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी? नहीं. भले ही आप इधर करंट का डायरेक्शन बता रहे हो मगर करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुई, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. इसी करंट वाली बात को समझने के लिए हमने वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए एक और एडिशनल लाइन जोड़ दी है. वेक्टर क्वांटिटी हम उन्हें कह रहे हैं जो मैग्नीट्यूड भी जिनका बताना पड़े, डायरेक्शन भी जिनका बताना पड़े, एंड विच ऑल्सो ऑबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मीन्स द लॉ ऑफ ट्राइंगल, द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर एडिशन. करंट डू नॉट ऑबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. करंट वेक्टर एडिशन का लॉ ऑबे नहीं करता है, इसलिए करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब हम पूछते हैं आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरह की क्वांटिटी कहोगे? क्या इसे स्केलर क्वांटिटी कहोगे या इसे वेक्टर क्वांटिटी कहोगे? हम स्केलर नहीं कह सकते क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो वह होती हैं जिन्हें स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है और मैग्नीट्यूड के अलावा कुछ भी नहीं. जैसे यदि मैं आपसे पूछूं आपका वजन कितना है,
आपकी हाइट कितनी है, आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, ऑल दिस वुड बी स्केलर क्वांटिटीज। इनमें सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बताते हो। आपसे वजन पूछा, आप बोलोगे 55 किलो, फिनिश, यानी बोलोगे नीचे की तरफ, नो नीड टू स्पेसिफाई। आपसे पूछूंगा आपकी हाइट कितनी है, अब बोलोगे 5 फुट, 5.5 फुट, सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी बोलोगे ऊपर की तरफ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी हाइट 5.5 फुट, दैट्स ऑल। आपका बॉडी टेम्परेचर पूछा जाए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स ऑल। सच क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी, वाइल वेक्टर क्वांटिटीज और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं हो रहा है। मैं रेफरेंस एक्सिस बतानी पड़ रही है, बिना रेफरेंस एक्सिस बताए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो वह होती है जिनका वेक्टर एडिशन होता है। यदि किसी क्वांटिटी का वेक्टर एडिशन संभव नहीं है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम नहीं लग सकता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल नहीं लग सकता है, तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई डायरेक्शन भी नहीं है, इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं कहा जाता है, इसके लिए एक रेफरेंस एक्सिस है। हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना तो स्केलर क्वांटिटी है और न ही यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह की क्वांटिटी है, इसके लिए थर्ड कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, वी कॉल इट अ टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। अ टेंसर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज नीड टू स्पेसिफाई देयर रेफरेंस एक्सेस ऑफ द रेफरेंस पॉइंट। सच क्वांटिटीज वी कॉल देम टेंसर क्वांटिटीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी तरह की एक टेंसर क्वांटिटी है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, ऑल दो रोटेशनल चैप्टर काफी लंबा है, काफी बड़ा है, और इसमें काफी सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग और ट्विस्टेड प्रॉब्लम्स फ्रेम होते हैं, मगर पिछले 3 साल से हम एक बात देख रहे हैं कि रोटेशनल टॉपिक पर से एक सवाल हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर से जरूर पूछ रहे हैं। हर साल एक सवाल, वो कोई ना कोई मास सिस्टम दे देते हैं, मास सिस्टम को डिस्क्राइब कर देते हैं, और उस मास सिस्टम को डिस्क्राइब करने के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछते हैं। पिछले 3 सालों से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर रेगुलरली क्वेश्चन अपीयर हो रहा है। पिछले साल भी इसी तरह से क्वेश्चन आया था, जो मेरे हाथ में अभी आया। लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम। मैं इस प्रॉब्लम को पहले समझाता हूं जो पिछले साल आया था, यह पेपर 1 में आया था, पेपर 1। इस समय कोड 2 वाला पेपर सॉल्व देख रहा हूं मैं, और 41st प्रॉब्लम है इसमें। यानी यह प्रॉब्लम मैं समझा देता हूं। 4 सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर √5 सेंटीमीटर एंड मास। एक तो सॉलिड स्फीयर मेंशन कर रखा है, 4 सॉलिड स्फीयर, डायमीटर √5, मास 0.5 kg, आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर पर रख रखा है √5 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर पर रख रखे हैं, और स्क्वायर की एज लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इधर सारे स्फीयर रख रखे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, इस स्क्वायर के
डायगोनल के अबाउट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है एंड दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मे बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एन इंटू 10^-4 केजी पर मीटर स्क्वायर. एन की वैल्यू पूछी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, or 9. आईआईटी जेई की एक बड़ी खास बात है, वो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम को भी, अच्छे अच्छे सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को भी ऑब्जेक्टिव के रूप में परस देते. दिखता ऐसा है कि ये तो ऑब्जेक्टिव सवाल है और कोई एक चीज मार्क करनी है. अपेरेंटली वो इजी दिखते हैं मगर कभी भी इजी, एकदम इतने इजी नहीं होते. यू ऑलवेज नीड टू थिंक अबाउट, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तभी आप सॉल्व कर पाते हो. और यही वजह है कि आज भी आईआईटी जेई का कट ऑफ 40% से नीचे, 40% से ऊपर नहीं गया. वो कट ऑफ जनरली 30-40% के रेंज में ही रहता है. देखिए इस सवाल को, 4 सॉलिड स्फीयर, यह 4 सॉलिड स्फीयर, मैंने फिगर भी बना दिया और दो फिगर पेपर में बनाया हुआ नहीं था. डायमीटर इज √5 cm. यूनिट्स को बड़े ध्यान से देखना है, यूनिट्स ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं लिखेंगे तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन पर कभी नहीं पहुंच सकेंगे. मास 0.5 kg. इस स्फीयर को, इन स्फीयर्स को हमने एक स्क्वायर लेमिना पर रख दिया और उस स्क्वायर लेमिना की एज लेंथ है 4 cm. अब सबसे पहली बात, इन स्फीयर्स को जो कि फाइनाइट डायमीटर के दिख रहे हैं, एंड दैट फाइनाइट डायमीटर इज इन द रेंज ऑफ द एज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, नेवर डेयर टू एज्यूम देम पॉइंट मास, नेवर डेयर टू एज्यूम देम पॉइंट मास. इन्हें पॉइंट मास मानने की गलती कभी ना कर बैठे. यदि पॉइंट मास मान लिया मतलब गलत कंसेप्ट लगा दिया. इन्हें आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मास मानना होगा. और हियर वी हैव गॉट द एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सेस थ्योरम. पैरेलल एक्सेस थ्योरम का एप्लीकेशन है, देखिए किस तरह से. सबसे पहले इस स्फीयर के डायमेट्रिक एक्सेस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. यदि हम इस स्फीयर की बात करें तो इस स्फीयर को तो इसके डायमीटर के अबाउट ही रोटेट करा जा रहा है. हाँ बोलो. मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, ट्रूथफुली स्पीकिंग मुझे रटा हुआ नहीं है, मैं खुद अभी सॉल्व करके ही देखूंगा. वेल सी, इस स्फीयर को इसके डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करा जा रहा है और इस स्फीयर को भी इसके डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करा जा रहा है. निश्चित जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों स्फीयर की वजह से होएगा वह तो 2/5 m² r की जगह मैं लिखूंगा √5/2. इधर जो सेंटीमीटर्स में है तो इसको मीटर्स में यही कहीं कन्वर्ट कर लिया जाए, इंटू 10^-2, क्योंकि यह केजी में दिखने लगा, यह मीटर्स में दिखने लगा, मीटर स्क्वायर. यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्फीयर का हुआ, इस तरह के वहां 2 स्फीयर हैं, इसलिए इंटू 2 कर दो. मैंने इन दोनों स्फीयर की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सप्रेशन लिख दिया. अब मैं इन दोनों स्फीयर की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं. तो यह दोनों जो स्फीयर है,
हमें वंस अगेन इधर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, दिस एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमें इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है 2/5 mr². अब इस दूरी को हम निकाल दें, दिस डिस्टेंस, दिस इज डी। दिस इज एज लेंथ ए एंड दिस 45 degree, दिस 90 degree। डी वुड बी ए बाय रूट टू, डी वुड बी ए बाय रूट टू। अब मैं इस स्फीयर की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं, ICM प्लस MD² That would be the moment of inertia about this. ICM तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, 2/5 into 0.5 into √5/2 into 10^-2 whole square। यह हुआ ICM plus M, M की जगह 0.5 D square। This is G, A by root 2. A by root 2. A की जगह क्यों ना उसकी वैल्यू लिख दी जाए सीधा सीधा 4 cm. 4 into 10^-2 meters A by root 2. Whole square. The ICM plus M मास इन केजी, डी स्क्वायर, डी को मैंने मीटर्स में करा, सेंटीमीटर्स का जो था वो मीटर्स में, क्योंकि इधर मीटर स्क्वायर से कंप्लीट करना है। 4 × 10^-2 एज लेंथ बाय रूट टू होल स्क्वायर, डी स्क्वायर हो गया, डी इज ए बाय रूट टू। और इस तरह के दो स्फीयर है, एक ऊपर एक नीचे है, सो होल इंटू टू, यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दो स्फीयर की वजह से और यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दो स्फीयर की वजह से। दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरह का एक्सप्रेशन लिखने के बाद फिर अगला काम होता है इन्हें बड़े ध्यान से सॉल्व करा जाना। हल्की सी भी गलती हुई तो सिली मिस्टेक की वजह से पूरे मार्क्स चले जाते हैं, सारा कंसेप्ट लगाया हुआ, सारा टाइम दिया हुआ, वो पूरा बर्बाद हो जाता। जब इस तरह का आप एक्सप्रेशन लिख दें, देन ऑलवेज बी एडिशनली और एक्स्ट्रा अलर्ट। हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का एक रूल होता है कि यदि कोई सवाल आपको आता है, उसका कंसेप्ट आता है, चैप्टर पढ़ा हुआ है और आप अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं, तो उसमें आपकी मेंटल अलर्टनेस तो आप दुगनी कर दीजिए। इसलिए मेंटल अलर्टनेस दुगनी कर दीजिए क्योंकि यदि इस तरह के सवाल में अब यदि गलत हो गया तो जरा सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो नुकसान हो रहा है कि आपने रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ने में जो इंस्टीट्यूट में लगभग 10 से 12 दिन दे रहे हैं डेली 3-3 घंटे के, इसके अलावा इन सब चीजों को प्रैक्टिस करने में घर पर लगभग 24-25 घंटे देंगे, ये सारा समय बर्बाद, क्योंकि उस टॉपिक पर जब सवाल आया तो आप कर नहीं पाए, मार्क नहीं ला पाए। एग्जामिनेशन में जो खास समय आप दे रहे हो 2 से 3 मिनट सवाल को पढ़ने में, समझने में, अटेम्प्ट करने में, वो समय बर्बाद। और तो कई बार यदि गलत मार्क कर दिया तो किसी दूसरे मार्क का जो किसी दूसरे सवाल से मार्क मिले हुए निगेटिव मार्क में उसके मार्क्स और चले जाते। तो कभी भी इस स्थिति पर आकर सिली मिस्टेक कर देना, दैट इज डेडली। सिली मिस्टेक करने वाला कभी भी एग्जामिनेशन में सिलेक्ट हो ही नहीं सकता। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो तो भूल जाओ, आपका सिलेक्शन होएगा। सबसे पहले इसी बात पर ध्यान दो कि इस तरह की चीज लिखने के बाद आप परफेक्ट कैलकुलेशन करते हो। 10^-4, 10^-4, 10^-4, ये इधर मुझे दिख ही रहा है। एन की वैल्यू अकाउंट करने के लिए मैं सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा वैल्यूज का। दिस इज
0.5, 0.1, 0.4, 2 into 2, 0.4, 0.1, and here 5/4, plus देखिए ध्यान से इधर भी, व्हाट डज दिस गिव यू, वंस अगेन 0.4 इंटू 5/4, तो इधर भी बनेगा, प्लस इधर जो बन जाएगा दैट इज 1 इंटू 16/2 होल इंटू 10^-4 केजी मीटर स्क्वायर. नाउ चेक इट, दिस वुड बी इक्वल टू 9 × 10^-4 केजी मीटर स्क्वायर. हेल मार्क 9. इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स तो पिछले साल IIT JEE में आया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो शीट मैंने दे रखी है उसको सॉल्व करो. मैं 3-4 मिनट का एक ब्रेक देता हूं.